उपवास मतलब भगवान का नजदीक बैठ के खाना पीना पूर्ण भूल जाने का। आजकल उपवास मतलब वो खाना नहीं खाएगा, ये खाना नहीं खाएगा, ये अभी नहीं खाएगा, कल नहीं खाएगा, परसों नहीं खाएगा, खाना का याद ही नहीं रहने का। देवी को आराधना करके भूल जाने का, जैसा मीरा था, मीरा थी, भगवान को याद करते डांस करते थे। वो बोलते थे मैं डांस करने का टाइम में मेरा नहीं है, मखाली डांस था, कृष्णा था, मैं कृष्णा का डांस था, कोई रूप नहीं। देर वॉज नो फॉर्म एट ऑल, देर वॉज ओनली डांस। सारा सृष्टि काले डांस में, अभी भी साइंस बोलता है काले डांस है सब जगह में। और चैतन्य महाप्रभु डांस करने का टाइम में बोलता था काले में डांस था। आजकल का गरबा डरबा ये सब है, क्या डांस करता है। वो डांस कैसा है आप लोग को खुद को मालूम है, भूल जाने का। मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बच्चा हूं, यह सब भूल जाने का। ऐसा थलीनों के डांस करने का, वो डांस है भगवान। ऐसा करता था भगत लोग। आजकल भजन करने का टाइम में कितना लोग सुनता है मेरा भजन, मैं कैसा गाता हूं, वो ठीक से नहीं गाया, ये ठीक से नहीं गाया, वो राग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा बोलता है। मगर भगवान को याद करके भजन करने वाला आजकल बहुत कम है, बहुत कम है। जैसा तुकाराम था, मीरा थी, बहुत लोग था, ऐसा बड़ा लोग आजकल कम है। ये सृष्टि, ये शक्ति सबका अंदर है, एक एक व्यक्ति का अंदर है। आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबका अंदर दैविक शक्ति है। वो शक्ति का प्रकाश करने का हमेशा कर सकता है। इसके लिए शरीर, तंदुरुस्त रहने का, हेल्थी बॉडी, और उसको सपोर्ट करने के लिए हेल्थी माइंड, मन भी शक्ति रहने का, मन का शक्ति, बुद्धि शक्ति रहने का। स्ट्रॉन्ग हेल्थी बॉडी, अबंडेंट एनर्जी, दैट विल गिव यू कीन इंटेलेक्ट। बुद्धि बढ़ाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। योगा, योगा सबको दिखाने के लिए नहीं करने का, शरीर एकदम फिट रहने का, सपल बॉडी बोलता है, सपल बॉडी, सपल बॉडी होने के लिए योगा करने का और मेडिटेशन करने का, मन का शक्ति बढ़ाने के लिए।
मेडिटेशन करने का, भजन करने का, मन का शक्ति बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। दैविक शक्ति सबका अंदर है, बार बार मैं बोलता हूं, दैविक शक्ति सबका अंदर है, बाहर नहीं। इतना शक्ति है तुम लोग अंदर, देवी कुछ सामने कड़ा करके देख सकता है आप लोग। एक एक व्यक्ति जो इधर बैठा है वो कर सकता है। सबका अंदर लाइट भरा हुआ है, दैविक लाइट, वो लाइट का प्रकाश करने का। आप लोग मेडिटेशन करने से स्पेशल चार्म, स्पेशल ब्यूटी आ जाएगा। नहीं तो आजकल कम भी रोने का मोर रहेगा। Nobody is happy, nobody is cheerful, but cheerful face will be there, happy face will be there, attractive face will be there. ये सब करने का आजकल तो एक बड़ा एक्सक्यूज है, टाइम कहाँ है। मोबाइल के लिए बहुत टाइम है, रिमोट के लिए बहुत टाइम है, खाने का टाइम है, डाइनिंग टेबल के ऊपर गप्पा करने के लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मगर टाइम कुछ भी पूछने से टाइम कहाँ स्वामी जी। ये एक्सक्यूज मैं हमेशा सुनता हूं, टाइम नहीं है, टाइम तो है ही नहीं है, कहाँ है टाइम। टाइम तो हम लोग बनाया, टाइम है नहीं। सृष्टि कब हुआ, सृष्टि कब खत्म होगा, अभी तक किसी को मालूम नहीं। किस टाइम में स्टार्ट हुआ, किस टाइम में बंद होगा, किसी को मालूम नहीं। टाइम तो बहुत, इसलिए हम लोग को हिंदू धर्म बोलता है ये जन्म में नहीं, जन्म में नहीं होने से अगला जन्म में करो, टाइम है। मगर प्लीज स्टार्ट करो, अभी करते रहो, कोशिश करो, तुम्हारा अंदर का दैविक शक्ति बढ़ाने के लिए, प्रकाश करवाने के लिए कोशिश करते रहो। ये बताता है हम लोग का ग्रंथ।